काबुल से इस बात की तस्दीक की थी कि 40 लोग मारे गए हैं इसमें, लेकिन अब आधिकारिक मुहर है इस पे, 40 लोगों की मौत हो गई है काबुल आतंकी हमले में। अफगानिस्तान का अब स्वास्थ्य मंत्रालय के तौर पर आप जो भी समझे, वहां पे तालिबान ने अपने अपने मंत्रियों की घोषणा की हुई है, लेकिन वहां से ये इस बात की तस्दीक की गई है कि 40 लोगों की मौत हो गई है। सीरियल धमाके जो एक के बाद एक धमाके हुए हैं उसमें 120 लोग कुल घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के स्वघोषित स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है, उनके हवाले से यह खबर दी जा रही है कि 40 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल टारगेट करके निशाना लगाया गया था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर, जिस तरह का धमाका हुआ है, तालिबान की तरफ से जो धमकियां आती रही हैं कि अफगान के जो लोग हैं, जो अफगानी हैं, जो अफगानी नागरिक हैं, वो ना निकले वहां पर अफगानिस्तान को छोड़ के, एक तो उनके ऊपर खतरा हमेशा ही मंडरा रहा था, दूसरा जो वहां पर इवैक्यूएशन का काम चल रहा था, जो ब्रिटिश सैनिकों के होटल के बाहर जो धमाका हुआ है, जो अमरीकी जो नागरिक हैं उनके भी घायल होने की खबर आई है, उनकी तरफ से भी एक मौत की पुष्टि की गई है। कुल 40 लोगों की मौत हो गई है, कुल 40 लोग काबुल आतंकी धमाके में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की उस समय की तस्वीरें हैं जब धमाका हुआ था, और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें वहां से निकाला जा रहा था। जनदुआ अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि ये फिगर्स बढ़ गई हैं, अब 40 का खबर आ रही है, और मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि आमतौर पे ऐसे होता है, ये काफ़ी बड़ा अटैक था और काफ़ी क्राउडेड